नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने के अपने रोजगार समाचार के चैनल सी जी जॉब न्यूज़ पर छक भर्ती जो छत्तीसगढ़ में हो रही है लोक शिक्षण संच्रहालय के अंतर्गत में उसका विस्तृत विज्ञापन भी देखा होगा विस्तृत विज्ञापन में जो वेतन मान के बारे में कहीं पर भी क्लियरली नहीं लिखा है इसके पहले जो बहुत सारी भर्तियाँ होती थी उनमें वेतन मान की जानकारी आपको क्लियरली रूप से दे दी जाती थी कि इनका ग्रेड पे जो हो इतना होगा वेतन मान जो हो इतना होगा मगर इस भर्ती में केवल वेतन मैट्रिक्स लेवल दिया हुआ है तो आप सभी सोच रहे होंगे कि वेतन मैट्रिक्स लेवल होता क्या है तो हम आपको इस वीडियो में आज डिटेल से बताएंगे कि वेतन मैट्रिक्स लेवल आखिर है क्या और यहाँ पर वेतन मान आपको कितना मिलेगा तो हम एक एक करके सारी चीज़ों को समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे सबसे पहले हम व्याख्याता भर्ती के बारे में जानेंगे उसके बाद शिक्षक भर्ती के वेतन के बारे में जानेंगे उसके बाद में हम सहायक शिक्षक प्रयोगशाला और सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला के वेतनमान के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे वेतनमान पे जाने के पहले वेतनमान की जानकारी जानने से पहले हम सब आपको बता देना चाहेंगे कि आखिर ये वेतन मेट्रिक्स लेवल है क्या और कहाँ से आया है दो के बाद से जब सातवां वेतन आयोग लागू हो गया है सातवां वेतन सेवन पे कमीशन जब से लागू हुआ है तब से ये मेट्रिक वेतन मेट्रिक्स लेवल जो है लागू हो गया है और इसके आधार पर ही वेतन मेट्रिक्स लेवल में जो एक चार्ट दिया हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको वेतन दिया जाएगा तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे एक एक करके तो सबसे पहले हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि व्याख्याता जो राजपत्रित अधिकारी द्वितीय श्रेणी का है वेतन मेट्रिक्स लेवल यहाँ पर नौ लिखा है तो इसका वेतन मान कितना होगा सभी के वेतन मान के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने से पहले ये भी बता देना चाहेंगे कि, चाहेंगे कि इसका राजपत्र में प्रकाशन हो चुका है वित्त विभाग में महानदि भवन मंत्रालय नया रायपुर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये जो है संक्षिप्त नाम इसका ये छत्तीसगढ़ के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 कहलाएंगे और ये नियम जो है एक जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ में लागू हो गए हैं और जितने भी शासकीय सेवक के प्रवर्ग हैं उनके सभी के लिए ये नियम जो है लागू होंगे और उनके आधार पर इनको वेतन मान यहाँ पर दिया जाएगा तो ये जो हम जानकारी आपको देने वाले हैं वो अपने मन से नहीं दे रहे हैं ये छत्तीसगढ़ में राजपत्र में इनका जो है प्रकाशन हो चुका है तो दोस्तों हमने विज्ञापन में देखा कि व्याख्याता के लिए जो द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी का पद है वहाँ पर वेतन लेवल मैट्रिक्स जो नौ दिया गया था वो यहाँ पर देख सकते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर नौ दिया है और ये अनुसूची जो आप देख रहे हैं वो मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा सबसे पहले जो ऊपर के कॉलम में आप देख रहे हैं पे बैंड लिखा हुआ है सैंतालीस पचास से लेकर चौहत्तर चालीस उसके बाद में बावन सौ से बीस हज़ार दो सौ उसके बगल में आपको तिरानवे सौ से चौंतीस हज़ार आठ सौ ये पे बैंड है जो पहले के विज्ञापनों में इस प्रकार से प्रकाशित होता था ये पे बैंड है और ग्रेड पे जो है उसके ठीक नीचे आप देख पाएंगे तेरह सौ चौदह सौ अट्ठारह सौ उन्नीस सौ बाईस सौ चौबीस सौ अट्ठाईस सौ ये इस प्रकार से अड़तालीस सौ तक ये ग्रेड पे दिया हुआ है ठीक उसके नीचे आप देख पाएंगे लेवल वन टू थ्री फोर ये पूरा लिखा हुआ है ग्यारह तक और इसके अगर और जाएंगे अगले नीचे पेज में तो फिर बारह तेरह तक भी दिया हुआ है तो पद के हिसाब से आपको यहाँ पर ग्रेड पे लागू होगा ग्रेड पे लेवल लागू होगा तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए हमको दिया हुआ है लेवल नाइन तो हम यहाँ पर व्याख्याता के लिए लेवल नाइन देखेंगे तो व्याख्याता के लिए लेवल नाइन अगर हम देखते हैं दोस्तों तो लेवल नाइन यहाँ पर जो है ग्रेड पे तिरयालीस के ठीक नीचे में लेवल नाइन आता है और ये जो वेतनमान आपका जो पेमेंट होगा वो तिरानवे से चौंतीस आपका जो पेमेंट है व्याख्याता के लिए आएंगे तो फर्स्ट लेवल में आपको वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा अड़तीस हज़ार एक सौ रुपये देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल में आपको मिलेगा अड़तीस हज़ार एक सौ रुपये आपका मूल वेतन है और इसके अलावा अन्य जो महंगाई भत्ते और अन्य जो छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार जो दे होते हैं भत्ते होते हैं वो भी यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षक ई संवर्ग और टी संवर्ग के वेतन मान के बारे में तो शिक्षक ई संवर्ग और टी संवर्ग का जो पद है वो अराजपत्रित तृतीय श्रेणी का पद है और यहाँ पर आपको वेतन मान जो मिलेगा वो वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ होगा यानी कि सातवें वेतन मान के अनुसार आपको वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ आपको यहाँ पर नियुक्ति के बाद में दिया जाएगा अगर दोस्तों हम एक बार फिर से आ गए हैं वेतन मेट्रिक्स लेवल देखने के लिए और यहाँ पर हम देखते हैं वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है वेतन मैट्रिक्स लेवल आठ जो कि तिरानवे सौ से चौंतीस हजार आठ सौ ग्रेड पे बैंड जिसका है और ग्रेड पे लेवल इसका बयालीस सौ है यानी कि अगर आप शिक्षक के रूप में पदस्थ होते हैं एजुकेशन और ट्रैवल डिपार्टमेंट में यानी लेवल आठ में आपको वेतनमान यहाँ पर जो है फर्स्ट लेवल में आपको प्राप्त होगा वो पैंतीस आप देख सकते हैं लेवल जो आर्ट दिया हुआ है उसके फर्स्ट नंबर पर ही आप देख पाएंगे तो पैंतीस हज़ार चार सौ रुपये यहाँ पर आपको जो है न्यूनतम मूल वेतन आपको यहाँ पर प्राप्त होगा तो चलिए तो दोस्तों हम देखते हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम कला और विज्ञान समूह के लिए भी आपका वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो छः है उसी प्रकार से आपका सहायक शिक्षक ई संवर्ग टी संवर्ग जो है विज्ञान के लिए उसका भी वेतन मैट्रिक्स लेवल यहाँ पर छ ही दिया गया है और साथ ही साथ में सहायक शिक्षक विज्ञान यानी प्रयोगशाला जो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला लेब टीचर के लिए यहाँ पर जो है उसका भी वेतन मैट्रिक्स लेवल छः दिया हुआ है आप अगर सहायक शिक्षक के किसी भी पद पर जाते हैं हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम या लेब टीचर या फिर सहायक शिक्षक विज्ञान के पद पर तो आपको यहाँ पर बावन सौ से बीस हज़ार पेमेंट के अंतर्गत में चौबीस सौ ग्रेड पे दिया जाएगा और आपका जो है लेवल छः के अंतर्गत में पच्चीस हज़ार तीन सौ रुपये वेतनमान यहाँ पर दिया जाएगा और जैसे ही आपका जो है इंक्रीमेंट बढ़ता जाता है या फिर आपका जो है यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा साल जैसे जैसे आपकी जो है आगे, आगे आपकी सीनियरिटी बढ़ती जाएगी आपका वेतनमान भी यहाँ बढ़ते जाएंगे और आपका जो है छब्बीस हज़ार एक सौ रुपये फिर छब्बीस हज़ार नौ सौ सत्ताईस हज़ार सात सौ अट्ठाईस हज़ार पाँच सौ हज़ार चार सौ तीस हज़ार तीन सौ इस प्रकार से आपका जो वेतनमान जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आप यहाँ पर शिक्षक के लिए बयालीस सौ ग्रेड पे है तिरानबे सौ चौंतीस हज़ार आठ सौ उसका पेमेंट है और आठवां आपको लेवल के हिसाब से पैंतीस हजार चार सौ दिया जाएगा जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपको छत्तीस हज़ार पाँच सौ रुपये सैंतीस हज़ार छः सौ रुपये अड़तीस हज़ार सात सौ रुपये उनतालीस हज़ार नौ सौ रुपये इस प्रकार से आपको जो है क्रमशः यहाँ पर लाइन से आपको वेतन जो है वृद्धि होता जाएगा अगर आप व्याख्याता के पद पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपका पेमेंट तिरानवे सौ से चौंतीस हज़ार आठ सौ रुपये होगा और तिरयालीस सौ आपको जो है यहाँ पर ग्रेड पे मिलेगा और नववे लेवल पर आपको यहाँ पर जो है फर्स्ट वेतन मान अड़तीस हज़ार एक सौ रुपये से स्टार्टिंग होकर उनतालीस हज़ार दो सौ रुपये धीरे धीरे आपकी जो है वृद्धि होती जाएगी चालीस हज़ार चार सौ रुपए इकतालीस हज़ार छः सौ रुपये तो इस प्रकार से एक मोटा मोटी आपको अनुमान हो गया होगा कि आपका जो अगर इन पदों पर नियुक्ति होती है तो आपका वेतन मान जो है कितना आपको प्राप्त होगा तो अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा जरूर लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही अन्य रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम